हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज और एक नए प्रोडक्ट के साथ हम हाजिर हैं। आज के प्रोडक्ट में हम आपको वैक्सीनेशन गन दिखाना चाहेंगे। इसका यूजेस कैसा होता है और सेटिंग कैसी रहती है उस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है, skpoultry.com में। आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी। और इसका यूजेस और सेटिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पैकेज में एक वैक्सीनेटर गन मिलता है, उसके साथ में दो आपको ये मिलेगी, 20 गेज की सिरिंज हो गई, दो 20 गेज की सिरिंज रहेगी, एक इसमें रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा रबर्स रहेगा और एक ये दो सेटिंग का। ये एक्चुअली ये जो है इसमें चेक करा जाता है कि पॉइंट कितना हो रहा है। आप देख सकते हो उस पर पॉइंट लिखा रहेगा, 0.1 है, 0.5 है और 1 ml है, 1.5 ml है। और ये जो एक्स्ट्रा में रहता है, इसमें ऑयल रहता है, इधर जो है ऑयल लगता है, कभी ये जाम हो गया तो आप इधर ऑयल लगाना। तो चलिए यूज़ कैसा करा, और एक साथ में एक पाना रहता है। तो चलिए कैसे यूज़ का इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप सबसे पहले आपको इस सिरिंज लगाना रहता है, एकदम ईजी है सिरिंज लगाना। खाली आपको इधर लेना है, इसको जस्ट घुमा देना है। आप चाहिए तो इससे भी टाइट कर सकते हो, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, आप हाथ से भी टाइट कर सकते हो। तो ये आपका देखिए सिरिंज इस पर लग गया। अब सेकंड वन आपको लेना है, मेरे पास तो दवाई नहीं है इधर, मैं पानी से यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आपको सॉरी गिर गया, पानी डालना है। पानी डालने के बाद जस्ट आपको ये बंद करना है। अब फिलहाल तो देखिए तो सेट आती है सिरिंज, मैं यहाँ से पहले से ही सेट करके रखता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अभी ये कितने पे सेटिंग है इसकी। तो मैं पहले चेक करूँगा, आप पहले दवाई डालने से पहले चेक करें, या पानी से पहले पानी से डाल के ऐसा आप ऐसा बना ले सेटिंग इसकी। एक दो बार प्रेशर करना पड़ेगा। तो अभी ये रेडी है, अभी एक दो बार आपको ऐसा वेस्ट करना पड़ेगा। पहले आप पानी से ऐसा सेट कर ले, फिर देख ले भी। ये दवाई गई 0.5 ml, देख सकते हो। फेज डिटेक्ट नहीं आया, 0.1 ml गया, सॉरी मैं 0.5 बोला था, 0.1 ml चला गया इसमें भी। देखिए इधर है और 0.2 है, 0.5 है। तो ये देखिए वापस आपको करके बताता हूँ। ये देखिए यह है 0.1, बस पानी फेंकता हूँ। ये देखिए अभी कुछ भी नहीं है पानी में, मैंने यहाँ पर रखा और इसको चेक किया। ये देखिए, और जैसे आपको सेटिंग बढ़ानी रहेगी तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये खुलना है, पीछे बैग लेना है। इसको पहले ढीला कर ले थोड़ा, इसको बैग लेना है। अब इसको बैग लेंगे तो ये थोड़ा बाहर की तरफ ओपन होएगा, और फिर आप इसमें वापस से टेस्टिंग करिए। ये देखिए अब 0.1 ml ये आ गया, 0.2 ढाई आ गया, 2.5 ml। ये देखिए 0.2 है ये। अब 0.5 करने के लिए और आपको सेटिंग ऐसी सिर्फ खोलना है, एकदम ईजी है, कोई इशू नहीं है। आप ऐसा खोल सकते हो, खोलने के बाद आप इधर ये लगा दीजिए, हाँ, और फिर उसके बाद फिर आप चेक करिए इसमें। ये देखिए ये आ गया 0.5, देख सकते 0.5 आ गया है। थोड़ा सा इशू हो रहा रहेगा, क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये देखिए ऐसे खाली आपको सेटिंग खोलना है और लगाना है, इतना आप खोलेंगे उतनी इधर से दवाई बाहर निकलेगी। देखिए आई, तो इसकी ऐसी ही सेटिंग की जाती है। आप जब भी ले तो ऐसा सेटिंग करें इसको, और जितना आप खोलोगे उतनी इसकी दवाई निकलेगी। ये देखिए 0.5 आया। तो देखिए आप सेटिंग करना तो अभी जान गए हैं। तो इसको आपको परचेज करना रहेगा, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ ये पहले से ही तो सेटिंग कर लीजिए, कितना ही बंद करना है मेरे को, इतना घुमा लीजिए आप। घुमाने के बाद इतना आप घुमा देंगे तो हो गया सेट। वापस हम करेंगे तो ये आ गया,
और छोटा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा फिर 0.1 पे। ज़्यादा तो हमारे को 0.1 ही लगता है, क्योंकि बच्चे को मारना रहता है, बड़े को लगता है 0.5। ये देखिए आ गया 0.1 पे। तो आप जान चुके रहेंगे कि इसकी सेटिंग कैसी की जाती है। और ये टेस्टिंग ट्यूब है समझिए एक तरह का, कि जो सेटिंग चेक करता है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। इसको टिल देन के लिए थैंक यू, बाय।